वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सी न्यूज लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है एमएक्स टकाटक की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो उसके बाद काफी सारे टिकटॉकर्स अलग अलग ऐप पे चले गए थे, जैसे कि एमएक्स टकाटक, मौज ऐप वगैरह। जैसे कि एमएक्स टकाटक पे आशिका भाटिया, लकी डांसर, निशा जोकर और भी बहुत से टिकटॉकर्स चले गए। सो गाइस, जब होता कुछ ऐसा कि एमएक्स टकाटक की तरफ से जो है फेम हाउस आया है, जहां पर कुछ 18 टकाटक स्टार्स को गोवा में 7 दिन तक एक ही घर में रखा जाएगा। अब ये थोड़ा बिग बॉस जैसा ही लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, कंफर्म तो नहीं है कुछ। लेकिन वो 18 टकाटक के स्टार्स कौन कौन रहने वाले हैं, उनके नाम यहाँ पर एमएक्स टकाटक ने बताया है, आइए देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ने नाम देखा होगा, जोकर है, निशा है, लकी डांसर, आशिका भाटिया और भी बहुत, तो इन सब ने भी कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं इस चीज को लेके, आइए वो स्टोरीज देखते हैं। यू आर अवेट, इट्स अ 7-day ट्रिप एंड आई एम सो मच एक्साइटेड, आई शैल सी यू टुमारो। बहुत सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं एंड उस फेम हाउस में हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हम बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे इतने सारे कपड़ों का क्या करेंगे हम। बाय। 3 दिन से पैकिंग में लगा हुआ था, तो मिलते फेम हाउस पे। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं गोवा के घर में क्या होता है। गाइस, अगली न्यूज आती है आमिर अरब की तरफ से। तो 1-2 दिन से जो अपने इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने अपडेट देते हुए अपनी स्टोरी में कुछ कहा है, आइए देखते हैं। Hey guys, what's up? So guys, 1-2 दिन से मैं ज़्यादा स्टोरी पे अपडेट नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे घूम रहा बट मैं स्टोरी नहीं डाल सका हूँ बिकॉज कुछ नया आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। और तो और गाइस, लगता है भाविन की तरफ से भी कुछ स्पेशल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्या ने ये पोस्ट अपलोड किए हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है सबर और नीचे लिखा है टीजर आउट सून। और तो और भाविन ने भी कहा शो सम लव गाइस, हैशटैग सबर कमिंग सून। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। गाइस, अगली न्यूज आती है एंग्री प्राश की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कई बार हम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं और जब वीडियो मिलता है उस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो के अंदर कुछ और ही होता है। अब ऐसे ही हुआ कुछ एंग्री प्राश के साथ, जिस पर वो काफी चिढ़ गए थे, आइए उनकी स्टोरी देखते हैं। तो अपना आज फिर हेरा फेरी देखने का मन था, मैंने फिर हेरा फेरी फुल मूवी सर्च किया यूट्यूब पे, जैसे हम लोग हर लोग करते हैं क्योंकि ओटीटी तो है नहीं अपने पास। बट यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे 2 घंटे का एक पिक्चर देखा, मैं बोला वाह मिल गया यूट्यूब पे, और मैंने जाके क्लिक किया और ये मिलता है मेरे को ध्यान से। नहीं, ये कौन, ये क्या है, ये किस मंदिर हो गया दिमाग का मेरे। अगली न्यूज आती है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में ही बताया था कि शायद आमिर सिद्दीकी की तरफ से कुछ स्पेशल आ सकता है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर बॉडीगार्ड्स भी थे, जिसे देखकर ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद कोई तो शूटिंग चालू है। तो जी हां गाइस, आमिर की तरफ से कुछ स्पेशल आने वाला है। उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा बिग सरप्राइज कमिंग अप फॉर हैशटैग टीम नवाब फैमिली, यू गाइस गोना गेट अ बिग शॉक। और तो और उन्होंने वापस से एक वीडियो अपलोड किए। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं आमिर की तरफ से क्या आता है। गाइस, अगली न्यूज आती है अनुष्का सेन की तरफ से। तो अनुष्का मिली स्नेहा शर्मा से, जी हाँ, जो कि एक फॉर्मूला 4 रेसर है, आप लोग यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। और मिलने का जो एक तरीके से मेन रीजन है वो यही है कि आप सबको पता है कि अनुष्का सेन का जो है न्यू शो आ रहा है अपना टाइम भी आएगा, जो कि खास तौर पे लड़कियों को इंस्पायर करेगा। तो इसी वजह से जो है अनुष्का सेन और स्नेहा शर्मा का जो है इंटरव्यू आया है, अगर आप लोग को पूरा देखना रहेगा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आइए उसमें से एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं स्नेहा दी से मिली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग एंड बहुत ही कूल है हम सब लड़कियों के लिए कि एक वुमेन यू नो फॉर्मूला 4 रेसर है, उसके साथ ही एक प्रोफेशनल पायलट, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक ही प्रोफेशन में मतलब पायलट होने के साथ साथ आप दोनों इतने स्ट्रांग प्रोफेशन में हैं, वो भी एक वुमेन होकर। आई फील वेरी हैप्पी कि इनसे मिलने का मौका मिला एंड मैं बहुत ही आज इंस्पायर्ड हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के कि ऐसा शो भी आ रहा है कि अपना टाइम भी आएगा जो लड़कियों को इंस्पायर करेगा आगे चल के, क्योंकि हम। और गाइज, यहाँ पर अनुष्का ने स्टोरी डालते हुए कहा गाइज अपना टाइम भी आएगा, स्टार्ट्स टुमारो एट 7 PM। गाइज, अगली न्यूज आती है टेक्निकल गुरुजी की तरफ से। तो उनको हो गए हैं यूट्यूब पे 5 साल कम्प्लीट। जी हाँ, उन्होंने पोस्ट अपलोड करते हुए कहा हेलो टीजी फैमिली, व्हाट अ जर्नी, 5 साल, 3000 से ज्यादा वीडियोस, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स कितने हो गए अभी तक के, कितने सब्सक्राइबर्स हुए। उसके बाद कहा ऑल आई कैन से इज थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। और गाइज, जो अगली न्यूज है वो आ रही है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो उनका जो है आज इंटरव्यू आने वाला है एबीपी न्यूज में। उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा एबीपी न्यूज पे आज 3 बजे का इंटरव्यू है, टीवी पर जरूर देखना। अब जब तक मेरा ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये इंटरव्यू खत्म हो चुका होगा, तो अगर कुछ क्लिप मिलती है तो मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में बता दूंगा। गाइस, अगली न्यूज आती है निशा की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि निशा जो है लाइव आई थी, जहां पर किसी ने कमेंट किया कि बात करो नहीं तो गाली दूंगा। तो उस कमेंट पर निशा ने कुछ ये कहा,
अबे बात करो नहीं तो गाली पड़ेगी, बोल रहा हूँ साले, मतलब कुछ भी यार, बात करो नहीं तो गाली पड़ेगी। यार इन्होंने एक इनका धंधा हो गया, धंधा गंदे वाला, गाली दो, नीचे रिप्लाई नहीं दो गाली दो, आदत हो चुकी है अब तो, दे दो तुम। अगली न्यूज आती है जन्नत जुबैर की तरफ से। तो आप सबको पता होगा कि आजकल जन्नत भी जो है काफी इनएक्टिव है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिसकी वजह से काफी सारे फैंस जो है जन्नत को मैसेजेस करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतना इनएक्टिव हो, जिस पर अपडेट देते हुए जन्नत ने कुछ ये कहा। Hey guys, since you all keep saying that, मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूं, और स्टोरीज तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूं। तो मैं आज से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक्टिव रहूं और बहुत सारी स्टोरीज पोस्ट करूं, एटलीस्ट जितना मुझसे हो सकता है। अगली न्यूज आती है हर्ष बेनीवाल की तरफ से। तो हर्ष की तरफ से जो है न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा, डबिंग चल रही है, वीडियो विल बी आउट सुपर सून। गाइस अगली न्यूज आती है अशनूर कौर की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि अशनूर की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आया है क्या करूं, तो लगता है अशनूर जो है क्या करूं सॉन्ग का बिहाइंड द सीन वीडियो अपलोड करने वाली है। उसने अपनी स्टोरी में कहा, अब बिहाइंड द सीन ऑफ हैशटैग क्या करूं ? जिस पर आप लोग देख सकते हैं यस पे वोटिंग ज्यादा है। अरे ये तो दोनों भी यस ही है, नो का ऑप्शन किधर है। गाइस अगली न्यूज आती है फैसू की तरफ से। आप लोगों को पता होगा कि फैसू के जो इंस्टाग्राम के पोस्ट रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, उसमें जो कमेंट्स रहते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि एवरेज कमेंट्स के मामले में अगर देखा जाए तो फैसू जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फैसू ने एक स्टोरी रिपोस्ट की है जिसमें लिखा ये है, इफ वी टॉक अबाउट नाउअडेज एवरेज कमेंट्स देन मिस्टर फैसू इज ऑन नंबर वन पोजीशन इन द होल वर्ल्ड। और ये रहे कुछ एवरेज कमेंट्स। गाइस अगली न्यूज आती है अरिशफा खान की तरफ से। तो अरिशफा के यूट्यूब पे हो गए हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी हां, और तो उसने जो वीडियो अपलोड की थी आई लॉस्ट एवरीथिंग, वो अभी 6 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। एनीवेज इससे रिलेटेड उसने कुछ स्टोरीज अपलोड की है, आइए देखते हैं। गाइस 2 मिलियन ऑन YouTube, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। ऐसे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं आप सबको ऐसे एंटरटेन करती रहूंगी। वैसे तो सब डिलीट ही हो गया है, बट नई शुरुआत की है दोबारा से, तो कुछ अच्छा ही होगा, अल्लाह करे। एक चीज सीखने को मिल गई मुझे जिंदगी में, भाई बैकअप करके रखना चाहिए, रखना पड़ेगा अब तो। आई नो मेरे पास 20-25 ब्लॉग्स थे जो फिलहाल सब डिलीट हो चुके हैं, जो मैं अभी अपलोड नहीं कर सकती, तो अभी वीडियो थोड़ी धीरे आएंगी बिकॉज मैं बनाऊंगी फिर एडिट करके अपलोड करूंगी। तो मुझे अपने फोन में नहीं रखना जैसे मैंने बताया, तो तुरंत मैं बनाऊंगी एंड अपलोड करूंगी जितना जल्दी मुझसे हो सकेगा। मेरे फोन में नहीं रहेगा, अपलोड कर दूंगी मैं, तो मुझे उतना दुख नहीं होगा अगर कभी डिलीट भी हुआ तो, बट इंशाल्लाह भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। अगली न्यूज आती है राउंड टू हेल की तरफ से। तो राउंड टू हेल भी गए बाबा के ढाबे पे जिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस जो अगली न्यूज है वो आ रही है शिफू और फैज बलोच की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि ये दोनों कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो फाइनली उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि वो लोग उदयपुर गए हैं। अब देखते हैं भाई नॉर्मली गए हैं या कुछ स्पेशल आने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था। और जो अगली न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा, कलमकार इज ड्रॉपिंग समथिंग इन अ फ्यू डेज फॉर अवर मदरलैंड। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कलमकार क्या लाते हैं। अगली न्यूज आती है जन्नत मिर्जा वर्सेस वकार झका की तरफ से। जैसे मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया था जन्नत मिर्जा वर्सेस वकार झका की कंट्रोवर्सी के बारे में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख लो, ताकि आप लोगों को सारा मामला समझ में आ जाए। अब होता कुछ ऐसा कि जन्नत मिर्जा ने जो है फिर से कुछ स्टोरीज अपलोड की है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जन्नत ने जो है वकार के साथ जो चैट हुई थी उसका स्क्रीनशॉट अपलोड की है और कहा, बॉस मैंने आपको कहा क्या है। तो उस पर वकार झका ने कुछ ये कहा, चाची लसुड़ी कहती है, बॉस मैंने बोला क्या है, बॉस मैंने बोला क्या है, तो मैंने कहा बता ही दूं बॉस बोल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। facebook.com/वकार झका पर हेडफोन्स लगा लेना, हेडफोन लगा ले। और यहाँ पर जन्नत ने कहा, जहाँ से भी नेगेटिव वाइब्स आए, जिससे भी नेगेटिविटी की स्मेल आए, बस उसे ब्लॉक करते रहो अपनी लाइफ से। कोई भी डिमोटिवेट करे सीधा ब्लॉक करो, कोई भी डिग्रेड करे तो चुपचाप उससे दूर हो जाओ, बड़ी सुकून की जिंदगी हो जाए। ट्राई करो, कोई आपको गाली भी दे जाए ना या आपके मुंह पे थप्पड़ भी मार जाए, बस एक स्माइल कर दो उसे और अल्लाह पे छोड़ दो। फिर कहा, योर फॉलोअर्स इज नॉट ऑलवेज योर फैन। अब होता कुछ ऐसा कि ये सब के बाद बहुत से लोग जो है वकार झका को जन्नत के फोटोज एंड वीडियोस भेज रहे थे, जिस पर वकार झका जो है चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने सेंड किया तो मैं उस पर FIR कर दूंगा। मुझे चाची लसूड़ी की कोई नाजेबा वीडियो उसकी बहन की ना भेजें, जो जो मुझे भेज रहा है मैं उन सबको FIR साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूंगा। किसी भी लड़की की इज्जत इस तरह आप इनबॉक्स में यहाँ वहां नहीं भेज सकते। कोई भी अगर मुझे किसी भी लड़की की ऐसी वीडियो या कोई चीज भेजेगा, मैं अब रिपोर्ट अपनी टीम को कह दिया, वो FIA में आपको रिपोर्ट करती जाएगी। आपने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। और तो गाइस यहाँ पर जन्नत के खिलाफ जो है हेट फैलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जन्नत ने स्टोरी डाली है जहाँ पर एक फेक ट्वीट है, द पीपल ऑफ जापान आर बेटर देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऐसा बताया गया है कि ये जन्नत ने कहा, जबकि उस पर जन्नत ने कहा, दैट्स नॉट मी, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, ना ही मैं ट्विटर यूज करती हूँ ना ही फेसबुक। और गाइस जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है डकी भाई वर्सेस इरफान जुनेजो की तरफ से। अब इनके बीच जो है कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, अब देखो अगर मैं पूरा समझाने गया
तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले डकी भाई की वीडियो देखो, उसके बाद इरफान जूनियर, जो कि दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आइए शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डकी भाई ने ये वाला वीडियो अपलोड किए, तो यहाँ पर उन्होंने इरफान जूनियर जो के बारे में भी बात की है। होता कुछ ऐसा है कि कुछ महीनों पहले जो है डकी भाई ने एक लड़की के खिलाफ ट्वीट कर दिए थे, जिसके बाद उस लड़की को काफी हेट आ रहा था। लेकिन बाद में जो है डकी भाई ने उससे बातचीत कर लिए थे और सारा मैटर सुलझा दिए थे। लेकिन उस समय जो है इरफान जूनियर ने ये वाला ट्वीट किए थे उस लड़की के सपोर्ट में। मतलब कि एक तरीके से डकी भाई का कहना ये था कि लड़की का मैटर था तो उसके सपोर्ट में इरफान जूनियर सामने आया सपोर्ट करने के लिए। लेकिन गाइस अब होता कुछ ऐसा है कि कुछ दिन पहले जो है अली हैदराबादी करके एक टिकटॉकर है, जिसने अपनी लाइव में जो है एक फैन को ऐड किया जो कि एक लड़की थी और उसकी स्किन जो है काली थी। तो अली हैदराबादी और उसके साथ एक कोई तो भाई था उसका छोटा, वो जो है उस लड़की का मजाक बनाना शुरू कर दिए कि जो है काफी काली है, कैमरा साफ कर वगैरह, जिसके बाद काफी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी और काफी सारे यूट्यूबर्स जो है आवाज उठा रहे थे अली हैदराबादी के खिलाफ। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग से कहा कि डकी भाई का कहना यह है एक तरीके से कि उस समय इरफान जूनियर जो है सामने से आए और ट्वीट किए, लेकिन जब इस लड़की का मैटर हुआ, जब एक टिकटॉकर ने सबके सामने उसके स्किन कलर का मजाक बनाया, तब इरफान जूनियर जो कहा थे कि उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आइए आप लोग डकी भाई की एक क्लिप देख लो और इसी में मैं जो है इरफान जूनियर जो की क्लिप भी ऐड कर दूंगा। यार इस तरह की सिचुएशन में इरफान जूनियर जो किधर गायब हो जाता है? जिन लोगों को नहीं पता, कई महीने पुरानी बात है, मैंने एक लड़की अगेंस्ट ट्वीट कर दी ही, जो बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार मुझे इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था। खैर मैंने मामला खत्म करने के लिए उसको पर्सनली रीच आउट करने की कोशिश की, जो पहले तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर मैंने एक दोस्त के थ्रू उसको रीच आउट किया, उसको अपोलॉजी की, उससे बात की और फिर मैंने वीडियो भी डाली उसके फेवर पे, उसमें भी अपोलॉजी की और मैंने इन रिटर्न उससे कुछ नहीं मांगा कि भाई वो मेरे खिलाफ जो है वो भी रिमूव करे, क्योंकि मुझे पता था कि आई मेस्ड अप और आई नीड टू बी अ बिगर पर्सन एंड अपोलॉजाइज। लेकिन इरफान जो ने जो भाई साहब आगे जी ट्विटर पे कैंसिल करने, उस तो बंदे को कम से कम प्राइवेटली रीच आउट करके पूछ लेना चाहिए था अगर तुम्हारी उससे बातचीत है कि हाँ भाई क्या सीन है, और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो वो मुझे बता सकता था, या अगर ट्वीट करनी भी होती या बात करनी भी होती तो मुझे डायरेक्ट मेंशन किए बगैर ये बंदा कर सकता था। कि जब आपको ट्विटर पे कोई चीज बुरी लगी थी, ऑफेंसिव लगी थी, तो आप भी तो उस लड़की को डीएम कर सकते थे। अब ये ना कोई पहली बार नहीं है, इसने और भी कई यूट्यूबर्स के साथ ये काम किया हुआ है और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये ऐसा करता क्यों है। ये बंदा हमेशा उस चीज के उठा के मुंह में डालेगा या उसके अगेंस्ट बोलेगा जहां से उसको फायदा हो रहा होगा। उस टिकटॉकर ने जो उस लड़की के रंग का मजाक उड़ाया है वो बिल्कुल गलत है और उसको माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह डकी भाई ने अनकंडीशनली माफी मांगी थी जब उनकी वजह से मेरी एक दोस्त को डेथ थ्रेट्स मिल रही थी। मदद के साथ डकी भाई, मुझे बस यही कहना था। अब आपको अगली 6-7 वीडियो का कंटेंट मिल गया होगा, नई कंट्रोवर्सी, मजा आ रहा है। सो गाइस जितना हो सके मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझा दिया, बाकी आप किसके सपोर्ट में हैं कमेंट्स करना। अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स की। तो अनुष्का सेन को फिर से फीचर किया गया काफी सारे आर्टिकल्स में। सोम्या क्या होगा है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स और आशिका भाटिया को मिल गया है सिल्वर प्ले बटन। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये रही आईडी, मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप।